टूटने लगी टीम इंडिया। पिछले दो दिनों में 5 बड़े खिलाड़ियों ने लिया संन्यास। शिखर धवन को देख टीम इंडिया में चल गई संन्यास की लहर। कई सालों से तरस रहे थे वापसी के लिए, आखिरकार करना पड़ा संन्यास का ऐलान। अभी तो दो और संन्यास की तैयारी में बैठे हैं, ऐसे तो बिखर जाएगी पूरी टीम इंडिया। अगले 4 दिन के अंदर कुल 7 खिलाड़ी ले लेंगे संन्यास। घबराने लगी है BCCI। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, कैसे टीम इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ी यहां पर दोस्तों संन्यास का ऐलान करते जा रहे हैं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम में एक संन्यास की लहर चल पड़ी है। उस लहर में दोस्तों करीब करीब 5 खिलाड़ियों ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में दोस्तों इन खिलाड़ियों ने संन्यास का ऐलान इसलिए किया क्योंकि उनको लगातार मौके नहीं मिल रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब उस लिस्ट में और भी कई नाम जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये नाम बढ़ते चले जा रहे हैं ऐसे तो टीम इंडिया पूरी तरीके से यहाँ पर टूट जाएगी। ऐसे में आइए नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ियों ने संन्यास लिया। सबसे पहले दोस्तों ये सिलसिला शुरू हुआ भारतीय टीम के शिखर बेफिकर धवन के द्वारा। शिखर धवन जो कि टीम इंडिया के वो खिलाड़ी हैं जो कभी भी मैच का रुख अपनी ODI स्किल से बदल सकते थे, पर फाइनली दोस्तों उन्होंने अपने कैरियर को एंड बोला जब उन्होंने संन्यास का ऐलान किया। शिखर धवन के संन्यास के बाद लग रहा था कि चीजें ठीक हो जाएंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पर दोस्तों उसके बाद केदार जाधव ने भी संन्यास ले लिया। अब केदार जाधव के संन्यास के बाद तो मानो हर कोई चौंक गया, क्योंकि केदार जाधव अभी भी टीम इंडिया में वापसी के लायक के खिलाड़ी माने जाते थे। शिखर धवन जिनके लिए यहां पर दरवाजे बंद होते नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों केदार जाधव तो यहां पर पूरी तरीके से उन खिलाड़ियों में आते हैं जो कि अभी भी टीम इंडिया के लिए वापसी कर सकते थे, पर उन्होंने संन्यास लिया। उसके बाद दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से एक और बड़े खिलाड़ी ने संन्यास लिया और वो थे बरिंदर सरन। जी हाँ दोस्तों, बरिंदर सरन ने भी संन्यास ले लिया और यहाँ पर बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे बरिंदर सरन। जिस तरीके के खेल वो खेलते थे उससे टीम इंडिया को काफ़ी फायदा होता था। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने 1000 रन्स भी यहाँ पर स्कोर किए थे IPL में, जहाँ पर दोस्तों उन्होंने IPL में चेन्नई हो गया उसके अलावा दोस्तों SRH और यहाँ पर RCB के लिए क्रिकेट खेल चुके थे, पर उन्होंने संन्यास का ऐलान लिया। पर ये लिस्ट अभी और भी बढ़ने वाली है, एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर दोस्तों 5 खिलाड़ी संन्यास लेने वाले हैं और दो नाम तो बहुत चौंकाने वाले हैं, 3 तो मैंने आपको बता ही दिए। अब चौथा जो नाम है वो नाम है दोस्तों विजय शंकर का। विजय शंकर आपको याद होगा दोस्तों कि टीम इंडिया के एक वर्ल्ड कप के 4 नंबर के बल्लेबाज से 2019 में। विजय शंकर का खेलना एक प्रकार से बहुत बड़ी बात थी टीम इंडिया के लिए, लेकिन दोस्तों अब अपडेट ये निकल कर आ रही है कि विजय शंकर भी जल्द ही संन्यास का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें टीम इंडिया इग्नोर कर रही है और मौके नहीं दे पा रही है, इस वजह से दोस्तों विजय शंकर को टीम इंडिया फिर कभी चांस नहीं देगी, फिर से वो संन्यास ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक नाम और निकल कर आ रहा है, वो नाम है ईशांत शर्मा का। ईशांत शर्मा भी उन खिलाड़ियों में से हैं जो संन्यास का ऐलान जल्द कर सकते हैं, क्योंकि मौकों का अभाव उनके पास भी है और उन्हें भी लगातार मौके नहीं दिए जा रहे हैं। अब आप किस पर क्या राय है, क्या इन खिलाड़ियों का संन्यास लेना सही रहेगा या फिर नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।